इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखन रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन। माँ को भगवान ने अपना अद्भुत रूप दर्शन कराया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। देखिए क्या क्या देखा माने। अगणित रवि शशि सुव चतुरानन, अगणित रवि शशि सुव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही काला, बहुगिरि सरित सिंधु मही काला, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावु, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावु, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै जाही, देखी भक्ति जो छोड़ी ताही, देखी भक्ति जो छोड़ी ताही, तन पुल कित मुख बचन नयावा, तन पुल कित मुख बचन नयावा, नयन मूति चरणन सिर नावा, नयन माँ को विस्मय भाव में देखकर भगवान पुनः शिशु रूप में आ गए। माँ भगवान की अब प्रशंसा भी नहीं कर पा रही है, रुक गई, शरीर थरथरा गया, सोचने लगी जगदीश को मैंने अपना पुत्र मान लिया। अरे माना नहीं, भगवान ने ही अपनी माया से माँ को भुला दिया। सेवा सेवा है, सेवा में प्रीति रखी जाए। माँ जिसने एक गिलास जल भी किसी को नहीं दिया आज तक, वो जल लेकर आएगा तो ऊपर गिरा देगा, क्योंकि गिलास में जल थोड़ा कम रखना चाहिए जिससे पीने वाले के ऊपर न पड़े। नई सेवा किया, नई स्वभाव में आएगा। देखिए जैसे तैसे तो कैसे भी रहा जा सकता है, परंतु विधिक रहना इस सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। मां नित्य सेवा लेती हैं, आनंद मना रही है, सजा दिया सरकार को। किसी महापुरुष ने लिखा है भगवान जब चलते हैं ठुमक ठुमक, ओ करधनी है कान में, पाँव में पैजनिया है, माताओं को ये देखो। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि किस प्रकार की बहन को, बहू को, माँ को किस प्रकार की पाँव में पाजेब धारण करना चाहिए। बच्चों की झुनकी छोटी होती है लेकिन बजती बहुत है, इसीलिए हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म में बहुरानियां
पांव में जब पैजनिया पहनती हैं, पैजनिया ही बोलते हैं ना वो, है पायल, पायल बोलते हैं बच्चों में, पैजनिया होता है पायल, उसमें कुछ बजता है, ये सौभाग्यवती बिटिया बहन बहू उसका सूचक है। तो जब वो चलेगी तो घर में वो मधुरिमा, उसकी सरसता पूरे घर के वातावरण को मंगल भाव अर्पित करती है। और यदि कोई श्रेष्ठ आ रहा होगा, जिधर से पांव की आवाज आई, उस झुनझुने की क्या बोले, पायल में लगे घुंघरुओं की, तो वो श्रेष्ठ दिशा बदल लेगा कि हमारी बहुरानी आ रही है, हम बगल हो जाएं। और यदि माथा में गर्मी होगी तो बहू बिचारी वापस जाएगी। कई लोग दिशा नहीं बदलते, हाँ तो वो बिचारी वापस चली जाती है। कई धरती पर तो भगवान ने खूब भेजा है ना, विचार करके प्रभु ने भेजा है, मेरे सरकार के कमर में बंधी है, घुंघरू लगे हैं, पैजनिया बंधी है, और सरकार ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। चक्रवर्ती जी महाराज इस मधुर लीला का दर्शन करने आकर के बैठ जाते हैं। आप कभी अनुभव करते हैं, बच्चे खेलते हो, सब काम छोड़कर बैठो, देखो उत्साहवर्धन करो, वाह तुम खेलो हम गिन रहे हैं, नहीं इतना भाग्यशाली कहां बच्चे हैं। लोगन का देखते हैं तो बच्चे बेड के नीचे घुस जाते हैं। आ गए कोतवाल साहब, आवाज नहीं आए, क्यों मेरे ऊपर आवाज है। इसी लीला का दर्शन करने के लिए श्री कागभूषुंड जी महाराज अयोध्या आते हैं, और भगवान शिव अशुभ वेश धारण करके और दर्शनार्थ श्री अयोध्या आ जाते हैं, सुखद लीला का दर्शन करने। तभी तो कहते, आप बताओ कहीं भोले बाबा चोरी करेंगे, लेकिन किए ना, और विवेक कहूं निज चोरी, मैं अपनी चोरी सुनाता हूं, क्या कि मैं भगवान का दर्शन करने श्री अयोध्या जी आपसे छिपा कर गया। कितना रस है ये रस, इस रस को आप अनुभव में लीजिए, और जब आप अनुभव में आएंगे ना, बहुत सुख बढ़ेगा। खूब सुख बढ़ेगा। उत्तरकांड में श्री कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं गरुण जी महाराज के प्रति कि हे देव, भगवान जब जब अयोध्या जी में अवतार लेते हैं त्रेता में, तब तब मैं छोटा काग बन जाता हूं, कौआ बन जाता हूं, और जाकर भगवान की 5 वर्षों तक शिशु लीला का दर्शन करता हूं। मैंने आपको निवेदन किया, मनुष्य हैं इसलिए पशुत्व की ओर पक्षित्व की ओर जाने का विचार नहीं करना चाहिए, विचारों में श्रेष्ठत्व सदैव बरकरार रखना चाहिए, हाजिर रखना चाहिए। कदाचित हमारे किसी कर्म के परिपाक से कोई योनि बदल भी गई, यदि मनुष्य जीवन में हम भक्त हैं तो जीव जोन भी बदल जाएगी, पक्षी अथवा पशु भी बन जाएंगे, वहां भी हम भगत रह के सीताराम सीताराम में बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। श्री गुरुदेव भगवान चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में परिक्रमा लगा रहे थे कामदगिरि भगवान का एक पक्षी, सीताराम 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 बोल रहे थे, पक्षी बोल रहे थे। किसी हमारे गुरु भाई ने रिकॉर्ड कर लिया, मैं थोड़ा देर से पहुंचा परिक्रमा में, तो जैसे पहुंचा बोले प्रेम प्रेम जी को सुनाओ, देखो और गुरु भाई ने सुनाया सीताराम सीताराम,
मैं बार बार इसी बात का आग्रह करता हूं, हम किसी योनि में किसी कुल में जाएं, यदि मनुष्य जीवन में हमारे हृदय में भगवान की भक्ति बनी रही तो हम जिस शरीर में जाएंगे वहां भी ये बनी ही रहेगी, ये मिटने वाली नहीं है, अंतमति सोई गति। इसलिए हम बनाए रहे। मेरी माँ लाला आंगन में विचरण कर रहे हैं, माँ ने सजाया, सखियां अपना अपना भाव दर्शन लेती हैं, जिसकी जैसी भगवान में स्थिति है। भगत चार प्रकार के जगत में है, कोई टेलीविजन में कथा रही थी तो सुना रहे थे, तीन प्रकार के भगत होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगत ऐसे नहीं होते, भगत चार प्रकार को समझने लिखा है, राम भगत जग चार ही प्रकार है, तो तीन प्रकार कैसे हो जाएगा, लंगड़ा प्रकार है का? कोई प्रतिबंध नहीं है साहब। एक कोई सुना रहे थे कथा, बोले कि आठ दिशाएं होती हैं, आस्था पे लाइव आ रहा था, हमने कहा कोई वहां ऐसा नहीं है जा कहे कि चुप करो, बताइए कितनी दिशाएं होती हैं? है कक्षा दुई से पढ़ते आ रहे हैं, दस दिशाएं होती, दशो दिशाओं में जाएं, दल बा दल सा छा जाएं, सब दिशाओं में भेजा गया कपियों को, सब दिशा में जाना चाहिए, दक्षिण में कम जाना चाहिए लेकिन जाओगे। तो माय बाप व्यवहार में जब आएंगे ना तो रस आएगा। पहले माताएं घंटों बच्चों को भुकवा लगाती थी, तेल लगाती थी, हमारी अम्मा जी भी, हम लोग छोटे छोटे थे तो कहते थे रात में कौन आके तेल लगा जाता है, भूत प्रेत आते हैं क्या? तो दोनों भाई हम लोग तय किए कि आज जगना है, देखें रात में कौन तेल लगाता है। देखा तो भोर में माताजी लगा रहे। आजकल माताजी लोग खुदे तेल नहीं लगाती, बाल सूखा, चेहरा रूखा, पेट भूखा, कहूं आजकल बच्चे भी तेल नहीं लगाते, हम तो लगाते साहब आधा किलो तेल लगाते। तेल लगाने से मस्तिष्क ठंडा, इसलिए सभी बच्चों के, ए बेटा जरा इधर आओ, टाइम नहीं है, बिजी है, क्या कर रहे हो, बिजनेस है क्या? नहीं, सब हर आदमी आपको माथे से गर्म मिलेगा, कोई शांत मिलता ही नहीं, क्या है बचपन में तालू में, तालू में तेल यहाँ है ना, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं सरकार, ब्रह्मरंध्र में तेल अवश्य लगाना चाहिए। माताएं बचपन में कचर कुचर करती थी, हाँ तो अरे बच्चों के नाक में कड़वा तेल डालो तो जुकाम नहीं होता है जाड़े में, नाक में तेल कहीं पड़ता है क्या, खाने को तो मिलता ही नहीं। अरे साहब ये सेवा है मेरी माँ ने कितनी, इसलिए तो बाबा इसे थोड़ी लिख देते हैं, बाल चरित अति सरल सुहाए, बाल चरित हरी बहु विध कीना, क्या कीना, यही सब लीला हो रही है वहां, दूध लीला है, समा देती है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।